फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल ट्रैवल बिटवीन। आज हम जा रहे हैं हुगैनिकल वाटरफॉल्स। दिस इज़ वन ऑफ द फेमस वाटरफॉल्स नियर बेंगलुरु। फ्रेंड्स, हम रहते हैं बेंगलुरु वाइट फील्ड में और हुगैनिकल वाटरफॉल्स यहाँ से ऑलमोस्ट 115 किलोमीटर है, 115 किलोमीटर्स। हमने शुरू किया है सुबह के 9 बजे एंड एज पर द गूगल मैप वी विल कवर दिस डिस्टेंस इन 3.5 आवर्स। इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने ये ब्लू वाला रास्ता लिया है। दूसरा वाला रास्ता कृष्णागिरी से होकर जाता है, जो थोड़ा लंबा है, बट यहाँ आपको खाने के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। ऑल्दो हमारा स्ट्रेट वाला रूट काफ़ी सुंदर है, बट इस रूट पे खाने के सिर्फ एक दो ही ऑप्शंस हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर ईदर यू हैव योर ब्रेकफास्ट एट होम और यू पैक समथिंग टू ईट। सो फ्रेंड्स, हम फाइनली पहुँच चुके हैं और हमने अपनी कार पार्किंग में लगा दी है। यहाँ आपको मिलेंगी दो टाइप की पार्किंग्स, एक है पेड पार्किंग जो है फॉल के एकदम पास, और दूसरी है फ्री पार्किंग जहाँ से 200 मीटर चल के आप फॉल तक जा सकते हैं। सो हमने चूज़ की है फ्री वाली पार्किंग क्योंकि 200 मीटर पैदल के रास्ते में हमें कुछ शॉप्स भी मिलेंगी। बोटिंग का ऑफिशियल चार्ज है 750 रुपीज पर बोट, 750 रुपये जो मिलती है कम्प्लीट 1 आवर के लिए। बट पार्किंग में जो लोग आपको मिलेंगे वो आपसे 2000, 3000, इवन 5000 तक मांगेंगे। बट आप वाटरफॉल के पास आकर बुक करेंगे तो वहां आपको बोट 1000 से 1200 तक में मिल जाएगी। तो ये हैं वो बोट्स जिसमें अभी हम बैठने वाले हैं और इनको बोलते हैं कोरेकल बोट्स। हाँ, फाइनली आफ्टर बार्गेन हमें 1100 रुपए में बोट मिल गई है और ये है उसकी रिसीप्ट। इस रिसीप्ट को प्लीज अपने साथ रखिए जब तक आप अपनी बोट में ना बैठ जाएं। फाइनली हम अपनी बोट में बैठ गए हैं और अभी बोट वाले भैया हमें फॉल तक लेके जाएंगे, तो चलिए चलते हैं। ये है हुगैनिकल वाटरफॉल, द फेमस हुगैनिकल वाटरफॉल। सो फ्रेंड्स, हम वाटरफॉल देख चुके हैं, सच में बहुत ही अमेजिंग फॉल है। यू शुड डेफिनेटली कम टू दिस प्लेस। नाउ वी हैव ऑलमोस्ट 30 मिनट्स लेफ्ट फॉर द बोट, तो अब बोटिंग वाले भैया हमें पूरा एक राउंड घुमा के लाने वाले हैं। वाओ यार, कितना सुंदर नजारा है, सो पीसफुल। सो फ्रेंड्स, ये था हुगैनिकल वाटरफॉल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जगह पे। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आप बेंगलोर के आसपास की कोई भी जगह देखना चाहते हैं। थैंक यू।